की रक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिनों के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मैं मंचास्थीन सभी महानुभावों को माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। अनुरोध करूंगा मुख्य सचिव महोदय से कि प्रस्तावना रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री गण, माननीय वित्त मंत्री जी, अन्य माननीय मंत्रीगण, हमारे सहयोगी अधिकारी गण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सारे पत्रकार भाइयों और बहनों, आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार के इस दूसरे चरण के 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मुझे कविता याद आती है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कविता है, चढ़े हिमालय की चोटी पर, आगे और चढ़ना है हमें, हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 5 वर्ष के एक अभूतपूर्व कार्य के बाद, जो 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, जो कार्य हुआ, हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उसको करने के बाद आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड एक आगाज है। इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है 100 दिन में, मुझे हम सारे हमारे सहयोगी अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने 100 दिन 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के निर्धारित लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसित करने के लिए क्या कदम लेंगे, इसके बारे में बहुत गंभीर मंत्रणा के बाद लक्ष्य निर्धारित हुए और आज आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी जो रखेंगे उसकी वो तमाम सारी उपलब्धि, बल्कि वो एक बड़ी आधारशिला होगी जो प्रदेश को आगे बढ़ने के रास्ता प्रशस्त करेगी। मैं आज अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे तमाम सारे माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण को आभार प्रकट करूंगा, जो आपने सबने हमको एक मार्गदर्शन दिया और एक पूरा का पूरा हमारे सारे जो अधिकारी हैं, तमाम सारे विभागीय अधिकारी, उन्होंने उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तत्परता के साथ, पूरे संकल्प के साथ काम में जुटे हुए हैं। वो उसका एक पिक्चर, एक उसका सारा का सारा एक स्थिति आपके सामने आएगी। इसी बात के साथ एक बार दोबारा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपका सम्मान करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय, मैं अभी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी अतिथिगणों से, इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तिका का विमोचन करना। धन्यवाद। एक छोटी सी लघु फिल्म इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा बनाई गई है, जिसे चलाया जा रहा है। कृपया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और अथक परिश्रम से निर्माण हो रहा है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2017 में आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, आवास, रसोई गैस, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हुआ विकास का शंखनाद। कनेक्टिविटी बढ़ाने और शहरों को जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ बढ़े। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की व गोरखपुर व रायबरेली में एम्स शुरू किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की। प्रगतिशील युवा, महिला और किसान उत्तर प्रदेश की बने पहचान। 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने फिर विश्वास जताया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 साल बाद किसी सरकार को दोबारा चुना गया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पुनः चुनकर आए। योगी सरकार ने पहले 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष और अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाने की पहल की। विभागवार माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 को पहले साल में ही पूरा करने को ठाना। सरकार जनता के द्वार अभियान में मंत्री समूहों को जिलों में भेजकर सरकारी योजनाओं के विकास का निरीक्षण किया। सरकार को गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम सचिवालय का सिद्धांत दिया और सभी कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर समस्त सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की पहल की। 15 करोड़ लोगों को निशुल्क डबल राशन के उपहार को जारी रखा। महिलाओं को निशुल्क गैस सिलेंडर। 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान और अब तक कुल 1,76,638 करोड़ का भुगतान किया गया। भवन कृषि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के माध्यम से 80 हजार करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं की शुरुआत हुई। जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष ऋण मेले का आयोजन कराया तथा 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से युवाओं को स्व उद्यम के द्वार खोले। युवाओं को निशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण किया। प्रदेश के ग्रामीणों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक देने के लिए 11 लाख आवासीय अभिलेख यानी घरौनी का वितरण। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल अमेज़न को जोड़ा। 9 शहरों में चेस ओलंपियाड मशाल का स्वागत कराया। पॉक्सो अधिनियम तथा महिला अपराध के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण शुरू करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाते हुए सड़कों, पुलों एवं एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य शुरू हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया। 500 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया। 68 से अधिक बाढ़ परियोजनाओं को पूर्ण करवाया। सर्वसम्मति से सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाए गए तथा प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाया। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एक मंडल एक विश्वविद्यालय का संकल्प साकार हो रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में विशेष अभियान चलाए गए सभी सीएचसी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन। मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1.88 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ तथा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन जिसमें कुल 35 करोड़ पौधरोपण किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मेरा गांव मेरी धरोहर का संचालन।
एवं 75,000 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करवाया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डबल रफ्तार से विकास हो रहा है और ये प्रदेश विकास के एक नए को छू रहा है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी सर, मित्रों, में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलियों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है।
कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे, उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जुड़ करके
अलग अलग समूह मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक एक कमिश्नरी में कैंप किया, जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके। मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह दो दो कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया, विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है और यही नहीं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी, पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने
विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाए और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 120,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वैल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने, बड़ी शालीनता के साथ शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी
अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। हम सब इस भी बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से बताई स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दिशा से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो शेष 33 संकल्प हैं, इन्हें आगामी 2 वर्ष के अंदर इन्हें भी हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर के जनता जनार्दन के सामने लिए गए अपने संकल्पों को व्यवस्थित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर दशकों बाद औद्योगिक वातावरण भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी निवेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी उद्योग लग सकता है, ये 2017 के पहले एक सपना था, आज ये हकीकत में बदल रहा है। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही हैं और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रखकर के 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्य का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। प्रदेश में पहली बार आगरा, कानपुर, गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के कार्य का भी, उस कार्य को, परियोजना को भी हम लोगों ने शुरू किया। और प्रदेश के अंदर यही नहीं, हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जिसके माध्यम से न केवल औद्योगिक विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सके बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को भी एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना लागू की थी।
उस समय बहुत सारे लोग कहते थे क्या होगा, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना ने प्रदेश सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश के अंदर 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज को लागू करने के बाद जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाए आज उसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने हैं। सीएमआई के जो ताजा डाटा आए हैं उसके अनुसार प्रदेश के अंदर 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर 18% के आसपास थी आज वह घट करके औद्योगिक निवेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और इन तमाम योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह वर्तमान में 2.9% तक रह गया है। यानी युवाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए गए यह भी आज, और ये डाटा राज्य सरकार के अपने नहीं, यह देश की प्रतिष्ठित निष्पक्ष संस्थाओं के हैं जिन लोगों के द्वारा केवल इसी सेक्टर में कार्य किया जाता है। प्रदेश के अंदर हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना ने प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब भी बनाया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वह 1,56,000 करोड़ रुपए का है, 2016-17 में यह लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इसने एक नई ऊंचाइयां दी है प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को और इसके माध्यम से रोजगार की तमाम संभावनाएं भी आगे बढ़ी। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 3 जून को आकर के प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई गति प्रदान करने में अपना आशीर्वाद दिया। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से जो उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं इनमें 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। और यही नहीं, इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। यानी अलग अलग विभागों ने इस पे कार्य किया, लेकिन केवल एक विभाग की ही मैं बात करूं तो अकेले गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने जो 10,000 के नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा था उसे हम लोगों ने इस दौरान पूरा किया और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए भी बृहद ऋण मेला के माध्यम से 1,90,000 उद्यम को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 16,000 करोड़ रुपए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। तो सुल्तान अंदर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। Yeah.
योगी सरकार पार्ट टू के 100 दिन पूरे, किसानों को गन्ना भुगतान और राज्य में आए निवेश का सरकार ने रिपोर्ट कार्ड में किया उल्लेख, सेवा सुरक्षा और सुशासन पर जोर। ज्ञानवी मामले में जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई, हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की मांग, अब तक 33 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने दी दलील। प्रयागराज में कैंसर पीड़ित 12 वर्षीय हर्ष दुबे बना एक दिन का एडीजी, दफ्तर में पुलिस कार्यप्रणाली को समझा और किया काम, मदद के लिए आगे आए कई हाथ। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, 10 लोग झुलसे, अस्पताल में चल रहा है इलाज, रेउस क्षेत्र का मामला। महाराजगंज में किसानों की मुश्किलें बढ़ी, अपात्र लोगों ने उठाया प्रधानमंत्री सम्मान निधि का फायदा, प्रशासन ने वसूली अभियान किया तेज। और मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, राज्य के कई इलाकों में हो सकती है झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। सहारा बनाम सारा समय में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताज़तरीन खबरों के साथ, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। जो बचे हुए थे उनके लिए एक विशेष अभियान चलाए गए, उन्हें पेंशन की योजना के साथ जोड़ा गया। हम सब जानते हैं प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन मात्र 300 रुपए 2016-17 तक मिलती थी, पहले से 500 किया गया और सरकार गठित होने के साथ ही से 1000 रुपए करने का निर्णय भी लिया गया और उसके तहत वह पेंशन वितरण के कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1,00,000 नई बालिकाओं को भी उसके साथ जोड़ा गया है। अब कुल बालिकाओं की संख्या जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ जुड़ी है, यह 13,68,000 बालिकाएं वर्तमान में इससे लाभान्वित हो रही हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी पिछले सौ दिन के अंदर 14,085 जोड़ों का विवाह भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ। तो प्रदेश की बेटियों और बहनों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का जो आधार है, सशक्तिकरण का जो आधार है, वह प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह है। 82,520 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के रूप में 400 करोड़ रुपए देने का कार्य भी इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर किया गया। मित्रों, किसान अन्नदाता किसानों के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर सिंचाई के दायरे को लगभग 21,00,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित बाण सागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी को हम लोगों ने लगभग 1.5 दर्जन अधिक जो परियोजनाएं थी, इन्हें हमें प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू किया। 21,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं, जो शेष परियोजनाएं हैं उन्हें भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और 100 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद ही प्रदेश ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी प्रदेश के अंदर लेकर के आई थी,
जिसमें किसानों से सीधे खरीद और डेढ़ लागत का डेढ़ गुना दाम उन्हें प्रदान करने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। विगत 100 दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,537 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, और अगर पिछले 5 वर्षों के हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें 1,76,638 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के अंदर 2,55,000 किसानों को अब तक 2,55,00,000 किसानों को 2,55,00,000 किसानों को 47,265 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, और यही नहीं 8,00,000 कृषकों को 4,635 करोड़ का फसली ऋण भी वितरण करने का कार्य हुआ है। मित्रों, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है, यह भी अगर देखना हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन में जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय अभिलेख हर एक उस व्यक्ति को उपलब्ध कराने का जो बृहत कार्यक्रम चल रहा है, 100 दिनों में 11,00,000 ऐसे घरोनी यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेख प्रदेश के अंदर गांवों में वितरित किए गए। अब तक हम लोग जब से योजना चली, मार्च 2020 से योजना चली थी, 34,00,000 परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय की परिकल्पना भी साकार हो रही है, उन्हें इंटरनेट की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए गांव के अंदर ही बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, विद्युत सखी विद्युत बिल को जमा करने का कार्य कर रही हैं, और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हम देने का कार्य कर रहे हैं। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी बेहतरीन कार्य हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को बेहतरीन किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को, जो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, वह उत्तर प्रदेश ने साकार किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे और 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, 10 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है, और अभी हाल ही में हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो 5 हमारे नए राज्य सरकार के द्वारा नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, यहाँ पर उसके सर्विस और मेंटेनेंस की दृष्टि से उसे संचालित करने के एमओयू पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं, और अगले कुछ महीनों के अंदर आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और म्योरपुर सोनभद्र के इन 5 एयरपोर्ट को भी राज्य सरकार संचालित करने जा रही है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, और नियंत्रण में है ही। प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की। इन 100 दिनों में 2 बार संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम आगे बढ़े, और उत्तर प्रदेश को कालाजार पर प्रभावी नियंत्रण करने का भी भारत सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ। प्रदेश मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार इन सब पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में
तेजी के साथ आगे बढ़ा है। दिमागी बुखार का आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के 38 जनपद इससे प्रभावित थे, हजारों मौतें होती थी। 1977 से 2017 के बीच प्रदेश के अंदर 50,000 बच्चों की मौतें केवल इस बीमारी से हुई। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने आज इसको प्रभावी नियंत्रण किया है। 95% इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने में भी राज्य सरकार ने सफलता प्राप्त की है और हम लोगों ने वर्तमान में ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। तो 108 का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम करने के साथ साथ उसमें कुछ नई एम्बुलेंस भी स्वास्थ्य विभाग ने उसमें जोड़ने का काम किया है। मित्रों, इस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर उनका मार्गदर्शन तो प्राप्त हुआ ही, मेरा गांव मेरी विरासत इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कानपुर देहात के परोग गांव में आदरणीय राष्ट्रपति जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम भी वहां संपन्न हुआ है। गांव के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक लगाव का भाव हो, यह कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पॉलीथीन फ्री उत्तर प्रदेश 2019 से इस कार्यक्रम को चला रहा है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक तो आगे बढ़ाई है, लेकिन साथ साथ हम लोग वन महोत्सव के कार्यक्रम के साथ भी वर्तमान में जुड़े हैं। वन महोत्सव का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर कल ही हम लोगों का प्रयास है कि 25 करोड़ वृक्षारोपण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 6 और 7 को भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और 15 अगस्त को भी देश की आजादी का जब अमृत महोत्सव होगा तो उस अवसर पर भी हर ग्राम पंचायत में 75-75 पौधे लगाने के एक बड़े संकल्प के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी हम लोग प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। कुल इस दौरान हम लोग 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं। मित्रों, प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत आज दूसरी पारी के 100 दिन के जो एक कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए हैं, 100 दिन के इन कार्यक्रमों के लिए जो बातें हम लोगों ने सरकार गठन के साथ ही जो विभिन्न प्रकार के 10 सेक्टर्स की प्रेजेंटेशन के उपरांत जो कार्य योजना तैयार की थी, 100 दिन के लिए जो लक्ष्य तय थे उससे भी आगे बढ़ करके मेरे सहयोगी मंत्रियों ने, उनके विभागों ने, हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, हमारे पुलिस विभाग ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर एक बेहतरीन प्रयास करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की जो कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश की दिशा से तय की है इसे भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हर मंत्री, हर कार्मिक, चाहे वह हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हों, प्रदेश के अंदर जनता जनार्दन हो, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ मिलकर के सरकार के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग केवल भाषण पे विश्वास नहीं करते हैं बल्कि जो कहा सो किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 100 दिन का जो लक्ष्य था उसे हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति,
हृदय से उन्हें उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद लोकल फॉर ग्लोबल के अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए G7 की समिट में भी उत्तर प्रदेश के उत्पाद को दुनिया के उन 7 महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान करने उपहार स्वरूप भेंट किया। उत्तर प्रदेश के वैश्विक यानी उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के मत के की ओर से आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि शासन की योजना को जनता जनार्दन तक पहुंचाने और उन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करने में जो आपका सकारात्मक योगदान है, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को 100 दिन के इस कार्यकाल की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी लक्ष्यों को भी हमारे सभी सहयोगी समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। यह महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त, अराजकता से मुक्त और एक सुशासन की ओर विकास के पथ पर अग्रसर करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश प्राप्त हुआ था, उस जनादेश के प्रति वहां के जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। और मैं इसके लिए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहां के उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई भी देता हूं। धन्यवाद।